हाँ तो अब मैं रेडी हो गई हूँ। मंदिरा टोल प्लाजा है ये। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे? ये सुबह सुबह मेकअप की सख्ती क्यों आई हुई है? बस हम छोड़ के जा रहे हैं आपको, ये बस सीक्रेट है, ये आपको बाद में पता तो चले। ये व्यूअर्स जानना चाहते हैं ना, इनको बताएं, चलें इधर आए। मेरा मेकअप देख रहा है? हाँ। तो हम जा रहे हैं गुजरात, हमारा ट्रिप है गुजरात का, और जो बाजी आई हुई है हम उनके साथ उनके मायके जा रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड गुजरात देखने। मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ गुजरात, फर्स्ट टाइम तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम हम लोग जा रहे हैं। तो आप भी मुझे रेडी होने दें और बाकी बातें हम रास्ते में करते हैं। बाय बाय टाटा। ये मेरी फेवरेट चूड़ी है, तो ये इस ड्रेस के साथ मैच कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पहन लूं। जल्दी कर लो, तुम्हारी वजह से देर हो रही है सारों को। हाँ जी, लास्ट बस लिपस्टिक रहती है, वो फाइनल करके फिर मैं जा रही हूँ। रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, तो सब जो है वो मेरा वेट कर रहे हैं। ये मेरा आउटफिट है और बस अब मैं भी निकलती हूँ, तो चलें मिलते हैं आपको रास्ते में। अब हम घर से निकल गए हैं और जीटी रोड पे हैं और जा रहे हैं हम गुजरात की तरफ। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी आ गया फिल्टर होम जहाँ से हमने ऑयल चेंज करवाया था। तो हम रवाद क्रॉस कर चुके हैं और हम शहर से बाहर निकल चुके हैं। हाँ जी, जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि ये पहाड़ हैं, और पहाड़ों के ऊपर जो है ये गार से बने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़, जो कि इनको तराश के घर बनाए जाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हम पहुँच गए फर्स्ट टूल प्लाज़ा पे, जो कि है तराकी टूल प्लाज़ा। आई डोंट नो इसको यही कहते हैं कुछ और कहते हैं, लेकिन हम बस पहुँच गए। तो यहाँ पे हम टोल टैक्स देंगे और फिर हम आगे का सफ़र करेंगे। हाँ, तो हमने 40 to 45 minutes का रास्ता जब वो तय कर दिया, और हमारे 2-2.5 घंटे का रास्ता रहता है। आज जीटी रोड पे इतना रश नहीं है, लेकिन यहाँ पर अक्सर रश होता है, तो शायद वीकडेज है इसी वजह से रश नहीं है, वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है। तो हम वीकडेज में ही निकले थे, तो वीकेंड पर निकलना वैसे भी पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग गुजरात शहर जो है वो पहुंच गए थे, और शहर क्रॉस करके हम अब गांव वाली सड़क पर आ गए। तो ये गांव स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो यहीं पर आगे जो है थोड़ा सा बाजी के घर, बाजी का घर है। तो बस यहाँ पे गांव की खूबसूरती देखते हुए ही जा रहे हैं हम लोग और मज़े ले रहे हैं। हाँ, तो ये हाँ जो है हरे भरे से खेत नज़र आ रहे हैं आपको, वो एक गाना आता है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये वही वाला हिसाब है कि मेरे भी देश की मिट्टी जो है वो सोना उगलती है, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे भैंस होगी। हम जो है फाइनली घर के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच गए हैं, बस 5-10 या 15 मिनट में हम घर पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। तो बस ये रास्ते में देख लें आप, हरे भरे से इनके खेत खलियान नज़र आ रहे हैं, घर बने हुए हैं लोगों के। हाँ, तो हम जैसे ही घर में पहुँचे ना, तो बस खाना खुल गया था, क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे थे खाने। हाँ जी, खाना खाने के बाद हम लोगों ने ऊपर बच्चों के साथ खेला, और क्योंकि जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो बच्चों के साथ खेलते हैं। हाँ, ये सेकंड टाइम है, तो मज़ा किया बच्चों के साथ, फन किया। हम लोगों ने डिफरेंट गेम खेला, म्यूज़िकल चेयर वाला, तो इसमें मैं भी हूँ, और ये हम 4-5-6 लोग हैं, ये बच्चे हैं, मैं ही बड़ी हूँ इसमें। तो फाज जो है वो म्यूज़िक जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और मैं जानबूझ के हार रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को जिताना है। तो इनके लिए प्रेजेंट्स भी हैं, खाने की चीज़ें वगैरह भी हैं, जो जीतेगा उसको मिलती रहेंगी। तो राउंड वन ख़त्म हो गया है, और अब जो है वो राउंड टू स्टार्ट हो गया है, और ये बच्चे ही हैं, मैं नहीं खेल रही उनके साथ। तो देखते हैं इनमें से कौन जीतता है, किसको प्राइज मिलता है। चलो भाई मामा, आ जाओ भाई, एक चेयर निकालो, एक ये वाली उधर धो। चलो भाई म्यूजिक बजाओ। हाँ, ये दोनों लड़के तो पहले ही बैठे हुए थे। अभी नहीं करना। अच्छा।
चलो आ जाओ इधर आओ। चलो तू अपनी मेरी हो गई है। हाँ सही है। ये देखें जी इन लोगों के खेत और वो सामने भैंसें हैं और भैंसों के बच्चे हैं और वो बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें ये है गुजरात देसी गांव देसी। फिर जी मैंने थोड़ी तस्वीरें शस्वीरें ली और सेल्फियाँ शेल्फियाँ बनाई बच्चों के साथ भी और ख़ुद भी अपनी भी। तो अगर आपको देखने तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाएं वहाँ पे इधर जो है लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे से। इन बच्चों ने ये उमेरा पे कब्ज़ा कर लिया और इनको कह रहे हैं कि हमारे साथ खेलो खेलो। अभी हमने इनके साथ म्यूज़िकल चेयर खेली है और यहाँ पे ये जो टेबल चेयर्स लगे हुए हैं यहाँ पे हमने अपने खाना खाया आते साथ ही खाना। एक्चुअली हम लोग थोड़े लेट हो गए थे तो आते साथ ही खाना खाया और इसलिए उसकी वीडियो वगैरह कोई ख़ास नहीं बना सके। तो अभी ये हैं और बच्चे हैं और अभी हम इनके साथ टाइम स्पेंड कर। तो खाना वाना खा के जो है बच्चों के साथ खेला हम लोगों ने। खेलने के बाद जो है हम नीचे आए नीचे आके बैठे बड़ों से बातें की और वीडियो क्लिप्स इसलिए नहीं बना सके क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुनासिब नहीं लगता बड़े लोग बैठे हुए थे। तो अब जो है 4:30 बज गए हैं और हम लोग असर पढ़ के निकल गए हैं वापस रावलपिंडी की तरफ घर के लिए अपने। और ये गांव आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब जब यहाँ हम आते हैं तो दिल मेरा भी करता है कि मैं यहाँ पर आऊँ यहाँ पर कुछ टाइम रहूँ। यहाँ की आबोहवा जो होती है बहुत ही अच्छी होती है तरोताज़ा होती है। यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं गप्पे मारते हैं बातें करते हैं हंसी खुशी में दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होता है और अपना ही करता है जो भी करता है। हाँ जी हम लोग गांव से निकल के अब जीटी रोड पर पहुंच गए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मगरिब का टाइम हो गया है सूरज ग़ुरूब होने वाला है। तो उसके बाद जो है हम फाइनली जहलम पहुंच चुके हैं और फिर यहां से हम आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी अंधेरा हो चुका है मगरिब का टाइम भी हो गया है और ख़त्म भी हो गया तो अब हम जहलम टोल प्लाज़ा जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और रश काफ़ी है यहाँ पे भी। उसके बाद जो है ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे दरिया है। ये दरिया मुझे नाम याद नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो ये दरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे मैंने ट्रैवल ट्रेन में करते हुए दरिया सारे देखे हैं दरिया सिंध बड़े करीब से देखा है। उसके बाद ये जो है तराकी टूर प्लाज़ा जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी लास्ट जो है टूर प्लाज़ा भी क्रॉस कर लिए और मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अब घर जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।